गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था न्यूक्लियस, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। लास्ट टॉपिक हमारे जो चल रहे थे वो चल रहे थे बेटा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। कंक्लूजन देखा था कि किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जितनी ज़्यादा होगी वो एलिमेंट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। बट जिन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर टू अदर एलिमेंट कम रहेगी वो एलिमेंट या उन एलिमेंट के न्यूक्लियस अनस्टेबल रहेंगे। इट मीन्स वे सभी सब्सटेंस या एलिमेंट्स एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरह बिहेव करेंगे। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम और एटॉमिक मास के बीच में कर्व खींचा, जिसे हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहा। इस कर्व को देखने से हमें कुछ कंक्लूजन्स मिले थे। उन कंक्लूजन में हमने क्या देखा था, बियॉन्ड ए इज इक्वल टू 128 जिन एटॉमिक नंबर्स या जिन सब्सटेंस का एटॉमिक मास 128 से ज्यादा होता है उनके लिए द वैल्यू शोज ए रैपिडली डिक्रीज। दिस मेक्स एलिमेंट्स बियॉन्ड यूरेनियम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स एक्सेट्रा क्वाइट अनस्टेबल एंड रेडियक्टिव। इट मीन्स इन एलिमेंट्स जो अनस्टेबल हैं वो रेडियक्टिव एलिमेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। पढ़ चुके हमने यूरेनियम रेडियो एक्टिविटी, कहाँ नाइन्थ वाले चैप्टर में हमने अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स की बात की थी। देखिए फिर भी वापस रिवाइज करते हैं इसे। रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमिना ऑफ इमिटिंग अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली। कि कोई भी एलिमेंट जो सेल्फ अल्फा बीटा और गामा एलिमेंट रेडिएशन इमिट करता है और अदर सब्सटेंस में चेंज होते जाते हैं एलिमेंट्स की, यही प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। इस प्रकार के एलिमेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं। डायग्राम में देखे हमने क्या करा, हमने कि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। क्या देखा, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिसे हमने लेड बॉक्स में रखा है। इट मींस ये कंटिन्यू क्या इमिट करेगा, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। जब इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, इट मींस एक पॉजिटिव प्लेट रखी गई, एक नेगेटिव प्लेट, तो कुछ पार्टिकल जो नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, इट मींस वो सारे पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हैं, इन्हें नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल्स। जनरली अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, हीलियम्स न्यूक्लियस 2H4+ है। कुछ रेडिएशंस या एलिमेंट पार्टिकल जो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बने हैं या दे हैव नेगेटिवली चार्ज। इन नेगेटिव चार्ज को नाम दिया गया बीटा पार्टिकल्स। जनरली दे हैव एन इलेक्ट्रॉन्स। कुछ जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आता है, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाते हैं, इन्हें नाम दिया गया गामा पार्टिकल्स। दे आर जस्ट एनर्जी पैकेट्स जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। इसका मतलब किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से कंटिन्यूस अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल इमिट होगा और वो रेडियो वो सब्सटेंस अदर सब्सटेंस में चेंज होता जाएगा। इस प्रकार के सब्सटेंस कहलाते हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। इससे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं सोडीज डिस्प्लेसमेंट। क्या कहता है सोडीज, ये नियम दे रखा उसने, लॉ दे रखा अल्फा पार्टिकल के लिए भी, बीटा पार्टिकल के लिए भी और गामा पार्टिकल। देखिए मान लिया वाई जेड ए इज ए फंडामेंटल न्यूक्लियस, एलिमेंट्री न्यूक्लियस, इसने इमिट किया एक अल्फा पार्टिकल। और मैंने पहले कहा अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिव पार्टिकल, दे आर हीलियम्स न्यूक्लियस 2H4+ आयंस। इसका मतलब वाई जेड ए जो एलिमेंट है उसने एक अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया, देन चेंज हो गया ये अदर एलिमेंट। इसका मतलब जब फंडामेंटल एलिमेंट अल्फा पार्टिकल को इमिट कर देगा तो जो न्यू एलिमेंट या सब्सटेंस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर फंडामेंटल एलिमेंट से 2 कम हो जाएगा और एटॉमिक मास फंडामेंटल एलिमेंट से 4 कम हो जाएगा। तो एक लॉ बन गया कि जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो जेड जेड माइनस 2 रह जाएगा, ए माइनस 4 रह जाएगा। सिमिलरली रूल्स फॉर बीटा पार्टिकल्स, मैंने कहा था बीटा पार्टिकल
इलेक्ट्रॉन माइनस वन ई जीरो सिंबल कहलाता है इसका। देखें वाई जेड है, फिर वही फंडामेंटल एलिमेंट है जिसने एक बीटा पार्टिकल इमिट किया, तो माइनस वन इसका मतलब जेड माइनस माइनस वन दिस इज जेड प्लस वन, इसका मतलब इसका एटॉमिक मास फंडामेंटल एलिमेंट से एक बढ़ जाएगा, जबकि एटॉमिक मास क्या है एटॉमिक नंबर जो है फंडामेंटल एलिमेंट से एक बढ़ जाएगा और एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो बीटा पार्टिकल इमिट करने पर उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आती और नया सब्सटेंस बन जाता है। जबकि जब गामा पार्टिकल की बात करते हैं तो जब भी किसी फंडामेंटल एलिमेंट से गामा पार्टिकल इमिट होता है तो जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आती है, सिर्फ एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए लोअर एनर्जी पार्टिकल बन जाता है। वापस देखें अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो एटॉमिक मास 4 कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा। बीटा पार्टिकल इमिट करेगा तो एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी जबकि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, जबकि गामा पार्टिकल इमिट करने पर सब्सटेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बस जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसकी एनर्जी फंडामेंटल के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। बन जाता है रदरफोर्ड एंड सॉडी लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। द डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है क्षय विघटन टूटना, कि द डिसइंटीग्रेशन देखो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस था वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल कंटिन्यू इमिट करता रहेगा और अदर सब्सटेंस में चेंज होता रहेगा, तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो डिसइंटीग्रेशन फॉलो कर रहा है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज प्योरली ए रैंडम प्रोसेस, रुकता नहीं, कंटिन्यूसली चलता रहता है, जरूरी नहीं अल्फा बीटा गामा कंटिन्यूस हो, कभी दो अल्फा कभी चार गामा, इस टाइप से रैंडम प्रोसेस एंड इट इज मेरली ए मैटर ऑफ चांस। Which nucleus will suffer disintegration or decay first cannot be told. The rate of decay is completely independent of the physical compositions and chemical conditions of the material. इसका मतलब जो रेट है अल्फा बीटा पार्टिकल इमिट होने की जो रेट है उस पर अदर किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं आता है, न तो आपके फिजिकल कंपोजिशन का कोई इफेक्ट आता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी नहीं, केमिकल कंडीशंस को अदर पार्टिकल उसके पास रखा हो तो उससे इफेक्ट नहीं आया। इंपॉर्टेंट रूल क्या रदरफोर्ड लॉ कहता है, द रेट ऑफ डीके मींस द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्चुअली प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। रेट ऑफ डीके है वो उस समय जितने भी फंडामेंटल एलिमेंट पार्टिकल प्रेजेंस है उनकी नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एज द डीके गोज ऑन द ओरिजिन मटेरियल गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द रेट ऑफ डीके कंटिन्यूअसली गोज ऑन डिक्रीजिंग, कि जैसे जैसे आपके एक्टिव सब्सटेंस कम होते जाएंगे वैसे रेट ऑफ डीके भी कम होती जाएगी। इन मैथमेटिकल फॉर्म इफ कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट इंस्टेंट टाइम then the rate of decay, decay का मतलब minus dn upon dt is directly proportional to the number of presence atoms n, directly proportional symbol हटा तो constant आ गया, where lambda is a decay constant or disintegration constant। rearranging, इसे rearrange करें कि negative को उधर भेज दें, then rate of decay n के साथ n रख लिया तो dn upon n is equal to minus lambda dt लिखा जाता। इंटीग्रेशन बोथ द साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो इधर हो गया डी एन अपॉन दिस इज लॉग इन, इधर माइनस लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, डी टी का टी बन जाएगा विथ कॉन्स्टेंसी, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी लॉग बेस ई एन माइनस लैम्डा टी प्लस सी बेस इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। हम जानते हैं जब टाइम स्टार्ट हो तो किसी प्रकार की रेट स्टार्ट नहीं है, इसका मतलब डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे बने रहेंगे, उस समय जीरो बने रहे। At if t is equal to zero, we had n zero atoms. N zero क्या है? Elementary atoms, number of elementary atoms. Then t अगर zero कर दिया जाए, then log n की जगह n zero हो जाएगा c is equal to log of n naught. ये c की value वापस इस equation में substitute कर दी जाए, log base e n is equal to minus lambda t plus log n zero. Log quantity को साथ में रख दे तो यह formula बन जाता है log m minus n is equal to log m upon n.
फॉर्मूला बन जाएगा लॉग बेस ए एन अपॉन एन नॉट दिस इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। एंटीलॉग को बहुत दस है, दोनों साइड एंटीलॉग लेने पर यहाँ तो बन जाएगा एन अपॉन एन जीरो, इधर एंटीलॉग लॉग नहीं है तो ये ई टू द पावर में चला जाएगा, तो बन जाएगा फॉर्मूला एन अपॉन एन नॉट दिस इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। फॉर्मूला बन जाता है एन दिस इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। टाइम ऑफ हाफ टाइम इसे आगे देखेंगे जब हम हाफ टाइम वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। हेडिंग आ जाती है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, लैम्डा क्या चीज है उसको पढ़ना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके रदरफोर्ड सॉरी लॉ दिस इक्वल टू डीएन अपॉन एन दिस इक्वल टू माइनस लैम्डा डीटी। इफ डीटी दिस इक्वल टू 1 सेकंड देन डीएन अपॉन एन दिस इक्वल टू माइनस लैम्डा। दिस लैम्डा मे बी डिफाइंड एज द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स decaying per second again since n is equal to n naught e to the power minus lambda t. If lambda, if t is equal to 1 upon lambda, if t ki value 1 upon lambda substitute kar dijiye to n is equal to n naught t ki jagah 1 upon lambda karte e to the power minus 1, yes n is equal to n naught upon e likha ja sakta hai, n upon n naught is equal to 1 upon e. Thus lambda may also be defined as the reciprocal of the time when n upon n naught falls to be 1 by e. Half a lifetime period. क्या देखा हमने कि जब भी किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रखा जाता है तो इनमें से कंटिन्यूसली अल्फा बीटा गामा पार्टिकल इमिट होते रहते हैं, इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कम होती जाती है। क्या कह रहा हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन of half of the amount of the radioactive substance originally present. If T is the half life period, then N upon N naught is equal to 1 by 2. क्या कह रहा है? Half life theorem time की वो quantity है जब radioactive substance की final value उसकी initial value की कितनी रह जाती है? Half रह जाती है. N upon N naught is equal to half. और पढ़ा n upon n naught is equal to e की पावर माइनस लैम्डा टी, देन e की पावर माइनस लैम्डा टी is equal to 1 by 2 या e की पावर लैम्डा टी is equal to 2, दोनों तरफ लॉग ले लें, लैम्डा टी लॉग बेस e फंक्शन e 1 बन जाएगा is equal to लॉग बेस e 2, चेंज किया जाए तो लॉग बेस e 2 लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.6931, देन लैम्डा टी is equal to 0.6931। अगर लैम्डा गिवन हो तो टी निकाला जा सकता है, टी गिवन हो तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड टी। किस किस के बीच में? डिस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट और हाफ टाइम के हाफ लाइफ टाइम के बीच में रिलेशन कहलाता है। तो टी इन विच मटेरियल चेंज फ्रॉम एन नॉट टू एन वैल्यू बन जाती है टी की इक्वेशन बन जाती है स्मॉल टी इज इक्वल टू 3.323 टी लॉग बेस 10 एन नॉट अपॉन एन। नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर ए हाफ लाइफ निकाले जा सकते हैं n इज इक्वल टू n नॉट 1 टू द पावर n या n अपॉन n नॉट 1 टू द पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल t। यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, पहली जो रेडियोएक्टिविटी की यूनिट है वो क्यूरी कहलाती है, ci से रिप्रेजेंट किया जाता है द क्यूरी ci। द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज सेड टू बी 1 क्यूरी इफ undergoes 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second. 1 curie ki value constant hai, 1 curie is equal to 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second. Second unit kehlati hai iski Rutherford, RD se depend ki jati hai. The Rutherford, the activity of a radioactive substance is said to be 1 Rutherford if it undergoes 10 to the power 6 disintegration per second. ये per second कितने particle 10 to the power 6 particle disintegrate हो रहे हैं, तो ये जो quantity है किसके equal मानी गई? 1 Rutherford, तो value होगी 1 Rutherford is equal to 10 to the power 6 disintegration per second. Third unit जो radioactive काम में काम लिया जाता है becquerel, BQ. The activity of a radioactive substance is said to be 1 becquerel if it undergoes 1 disintegration per second. 1 becquerel का मतलब 1 disintegration per second. तो तीनों को एक साथ compare किया जाए तो 1 curie is equal to 10 to the power 7 into
डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, दिस इक्वल टू 10^6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, दिस इक्वल टू 10^3.7 × 10^4 रदरफोर्ड, 10^6 को हमने रदरफोर्ड में चेंज कर लिया। देन दो रिएक्शन आ जाती है, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इन विच ए हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू न्यूक्लियस ऑफ कंपैरेबल साइज एकॉम्पैनीड बाय ए रिलीज ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइट न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है, डिस्प्लिट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। देखिए यूरेनियम का हमने रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया 235, जब ये एक न्यूट्रॉन से रिएक्ट होगा ये बन जाएगा 92U236। ये तो स्टेबल था, अब ये अनस्टेबल हो गया, किसमें टूट जाएगा? बेरियम में, क्रिप्टॉन में, साथ ही साथ तीन न्यूट्रॉन इमिट करेगा और कुछ एनर्जी रिलीज होगी लगभग 200 MeV। चेन रिएक्शन वही बताई थी मैंने, एक यूरेनियम क्या करेगा, इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा जिससे वो अनस्टेबल हो जाएगा, तब यही यूरेनियम जो अनस्टेबल है वो तीन चीजों में टूट जाएगा, किस किस में? बेरियम में, क्रिप्टॉन में, साथ में तीन न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। अगर ये तीन न्यूट्रॉन जो रिलीज हुए फिर तीन यूरेनियम को फ्यूजन करें, इसका मतलब चेन रिएक्शन कंटिन्यूस चलती जाएगी। तो चेन रिएक्शन कंटिन्यूस चलती जाएगी। देखो एक न्यूट्रॉन था, एक यूरेनियम था, बेरियम और क्रिप्टॉन निकले और तीन न्यूट्रॉन रिलीज हुए, ये तीन न्यूट्रॉन फिर तीन यूरेनियम को फिशन करेंगे, कंटिन्यूसली चेन बढ़ती जाएगी। फॉर ए चेन रिएक्शन टू ऑकर द साइज ऑफ ए फिशनेबल मटेरियल मस्ट बी अबव द साइज कॉल्ड क्रिटिकल साइज। ए रिलीज न्यूट्रॉन मस्ट ट्रेवल मिनिमम थ्रू 10 cm टू सो दैट इट प्रॉपरली स्लो डाउन थर्मल न्यूट्रॉन टू कॉज फर्दर फिशन। If the size of the material is less than the critical size, then the all neutrons are lost, absorb कर लिए जाते हैं, आगे fission नहीं होता। If the size is equal to the critical size, then the number of neutrons produced is equal to the number of neutron lost. If the size is greater than the critical size, then the reproduction ratio of neutrons is greater than 1 and chain reaction can occur. फ्यूजन के बाद आ जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन उल्टा। वहां देखा था एक भारी नाभिक हैवली न्यूक्लियस किसमें स्प्लिट होगा, दो लाइट न्यूक्लियस में, या उल्टा यहाँ लाइट न्यूक्लियस मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन इज डिफाइंड एज टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू हायर लाइट न्यूक्लियस मर्ज इन टू वन अनदर फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस एंड कंपेयर्ड बाय ए रिलीज ऑन ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखें एनर्जी सोर्स ऑफ सन या एनर्जी सोर्स ऑफ स्टार, दोनों में इसी की एनर्जी रहती है। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल का जाता है, स्टार्स में रहती है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। क्या होगा कि टोटल चार हीलियम, चार हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन अपन को मिलेंगे, एक हीलियम नाभिक बनेगा, दो एंटी न्यूट्रिनो बनेंगे, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ऐसी सेम एनर्जी किसमें दिखाई दे रही है आपकी? कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में, इसमें भी वही सेम रहेगा, चार टोटल प्रोटॉन साइकिल प्रोटॉन रिएक्ट होंगे, एक हीलियम न्यूट्रॉन बनेगा, दो एंटी न्यूट्रॉन निकलेंगे और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ आपके चैप्टर खत्म हो जाता है एटम एंड न्यूक्लियस वाला। थैंक यू बेटा।